गाइस बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा और विच इज़ रियली रियली कॉमन इन आयरलैंड। तो अगर आप आओगे और आपको स्टार्टिंग में से आदत नहीं लगेगी तो वो आदत डाल लीजिए। या तो अपने साथ रेनकोट लेके आइए या छाते लेके आइए। और किसे छाते लाने का फ़ायदा नहीं है, छाते लाने का इसलिए फ़ायदा नहीं होगी हवा बहुत तेज़ है तो छाते ही टेढ़ा हो जाएगा। खुशबू आ रही है कॉर्क वाली, आई स्वेयर मुझे कॉर्क की वैसे खुशबू आ रही है जैसे तुम नए नए आया था ना जब मैं यहाँ पे, और यहाँ पे बारिश हुआ करती थी, ठंड होती थी, विदेशी खुशबू वापस आ रही है गाइस सही में। तो ये बारिश हो रही है सितंबर टाइम में ही आया था और ठंड हो रही है और ठंड भी बढ़ रही है इसलिए जैकेट पहननी पड़ी और बारिश हो रही थी और बारिश बंद होगी। देखो देखो अभी मैंने शायद 2 मिनट पहले ही बात करी थी कि बारिश हो रही है और अब बारिश बंद हो चुकी है, अब धूप भी आने लगी है साथ साथ। यहाँ पे सुपर मैक भी है गाइस, अगर आप लोगों को यहाँ का खाना पसंद है तो मुझे बताना। पापा जॉन्स भी है यहाँ पे एंड द गुड थिंग यहाँ पे हम क्यों आए थे स्पेसिफिकली वो था इसके लिए। If you can see, that's the Gate Cinema. तो Gate Cinema में यहाँ पे कॉर्क में आप मूवीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे मूवीज़ का क्या सीन होता है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट है टिकट का, ऐसा नहीं है कि महंगी टिकट्स है सस्ती टिकट्स है और ये नहीं, एक स्टैंडर्ड रेट है और यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। तो जो जल्दी आ गया उसको बेस्ट सीट्स मिल जाती हैं, जो लेट आया उसको गंदी सीट्स मिलती हैं। तो अगर आप कभी भी यहाँ पे मूवी देखने जाओ तो आप ये मत सोचना कि हमारी कोई सीट वहाँ पे बैठी होगी, हमारा वेट कर रही होगी, ऐसा नहीं होगा। If you go there, you need to be fast. Okay, it's okay not to be okay. अगर आप लोग अभी तक मेरे Instagram पे नहीं है तो वहाँ पे जाना, मैंने इसी के साथ एक बहुत प्यारी सी फोटो खिंचा रखी है, तो you can go and check out my Instagram guys, यहाँ पर होगा। रिस्पॉन्सिबल सिंघानी बटन दबा के क्रॉस कर रहा है। वी नीड टू वेट गाइस, ऐसे इतनी छोटी सी गली में कितनी सारी गाड़ी हो। आई थिंक ग्रीन नहीं हुई बंदा चाचा होगी। दैट्स ग्रीन पक्का नहीं था, मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारी इंडियन चीज़ें, बहुत सारी कश्मीरी जैकेटें मिल रही थी। मैंने एक यहाँ पे इतनी प्यारी जैकेट मिली, मैंने कहा ले लेता हूँ। मैं कहा मम्मी कहेंगी इंडिया में इसने कभी, लाख बार इसको बोला पहनने को, इसने कभी नहीं पहना, लेकिन बाहर विदेश जाके इसको कश्मीरी जैकेट पहननी है। तो फिर मैंने नहीं ली थी और प्लस वो कॉस्टली भी बहुत थी और बहुत ज़्यादा सेकंड हैंड लग रही थी वो देखने में भाई। कितना टाइम हो गया है कमलेश नरसिंह कहानी को कॉर्क में, यहाँ से आगे से राइट जाके आएगा गाइस वेदर स्पून करके। तो यहाँ पे आप कभी भी आओ तो यहाँ पे खाना पीना सस्ता मिलता है, सस्ता मतलब मिलता नहीं एज कम्पेयर टू अदर जगह, थोड़ा बहुत सस्ता मिलता है, वैसे तो स्टैंडर्ड रेट ही हर जगह। गरीबों का ठिकाना है सही में। सो आई विल शो यू बैक। गाइस सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है वही मैं कह रहा हूँ, अगर सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है सबको अपने घरों में रहना है। ये क्या है ये इतने सारे लोग यहाँ पे खड़े क्यों हैं मास्क लगा के, मैं बार बार बस इसलिए ला रहा हूँ ताकि उनको लगे ना उन्हीं को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अरे बहुत सारे लोग बाहर आ रखे हैं भाई,
क्यों हुआ है सो? केसेस बढ़ा रहे हैं ना, नंबर ऑफ केसेस। हाँ, इंडिया को कंपटीशन दे रहे हैं। इंडिया कैसे आगे जाएगा, हम इंडिया को हराएंगे। हराओ हराओ हराओ। दिस इज ग्रैंड परेड 208 205। सो 208 205 ऐसी बसें हैं जो आपको हमेशा सिटी लेके आएंगी, मतलब हमेशा इनकी और भी बसें हैं, बट हमारे घर से हमेशा 208 और 205 लेके आती थी। बाकी 220 भी हो, बहुत सारे बस रूट्स हैं। और ये वाली अगर आप बस देखोगे, दैट्स 208, तो यहाँ पे ग्रैंड परेड करके है। एंड दैट्स वन ऑफ द मैकडॉनल्ड्स जो अब बंद हो चुका है बिकॉज ऑफ कोविड आई गेस, क्योंकि यहाँ पे सिटी सेंटर में दो मैकडॉनल्ड्स हैं, एक बंद हो चुका है, दूसरा वहाँ पर है। जी ऑफरा का बॉयफ्रेंड भाई कोई मिल जाएगा क्या? ये सब थोड़ी डालना है इसमें, कोई मिल जाएगा हाँ। तो बेसिकली एक हमें एक हमारा फ्रेंड है, उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसका बंदा एक बार हमें मिला और उसने बोला कि अरे यू गाइस आर इंडियंस। मैं कहा हाँ, कि तो आई हैव सीन दैट मूवी, इधर चला मैं उधर चला, लाइक बस तू नहीं तो पूरा इंडिया देखा है भाई। और वो लिटरली हमारे सामने डांस कर रहा था। गाइस ऑल फॉर चिकन बेबीज, ये बहुत यहाँ पे अच्छी जगह से मिलता है। यू आर लाइफ स्टाइल स्पोर्ट ओवर हियर, यहाँ पे बहुत अच्छे जूते मिलते हैं, आई स्वेयर बहुत अच्छे जूते, बहुत अच्छा सामान। लेकिन ये भी बहुत लगता है भाई यहाँ पे, बिना पैसे के यहाँ पे इतनी 3 बार जा चुका हूँ, कुछ नहीं खरीद पाया। एंड फॉर ऑल द पीपल जो यहाँ पे भी आने वाले हैं, एंड यू वॉन्ट टू प्ले PS games, PlayStation पे खेलने का मन है, PlayStation खरीदने का मन है, जो भी है, सो वी गॉट आउट, वी गॉट गेम शॉप ओवर देयर, वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे आके अपनी सबसे पहली सुपर ड्राई की जैकेट जो खरीदी थी, जो मुझे पड़ी थी 100 कितने की, मुझे क्या पता, तू था ना साथ, 130 यूरो। हाँ, 130 यूरो की सबसे पहली महंगी खरीदी थी, वो यहाँ से खरीदी थी, से गा दी सुपर ड्राई का। तो एक हफ्ते बाद 70 यूरो में मिल रही थी, डिस्काउंट आ गया था एक हफ्ते बाद, अब वापस करके थोड़ी वो लेता। यानी अगर तुझे कभी कुछ सस्ती शॉपिंग करनी हो, मतलब देख वैसे यहाँ पे तो सारे जैसे ब्रांड्स एंड ऑल है, तो तू कहाँ जाएगा थोड़ी सी सस्ती के, थोड़ी सी सस्ती? हमारे पीछे, मेरे पीछे क्या है, मेरे पीछे वेरी बैड एक्टिंग दो, बट दिस इज पेनीज गाइस, यहाँ का पेनीज का ये 2 फ्लोर का बहुत बड़ा सा शॉपिंग का है। एंड पेनीज इंडिया का बिग बाजार, इंडिया का बिग बाजार, दिल्ली का सरोजनी, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत सस्ती मिलती है और मैंने यहाँ से थोड़ा बहुत कभी कभार खरीदा हुआ है। दिस इज पैट्रिक स्ट्रीट, और पैट्रिक स्ट्रीट के बारे में कमलेश आपको कुछ ज्ञान देना चाहता है, एंड दैट इज, मुझे नहीं पता, बताना जो मुझे बता रहा था पैट्रिक स्ट्रीट के बारे में। सेंट पैट्रिक करके एक बंदे थे, उन्होंने आयरलैंड से सारे सांप हटाए थे शायद, इसीलिए सेंट पैट्रिक डे मनाते हैं और उनके नाम की स्ट्रीट है महात्मा गांधी चौक। वैसे ही महात्मा गांधी, सो जो बंदे ने सांप हटाए इसलिए हम सेंट पैट्रिक डे मनाते हैं, मुझे लगा इससे कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, बट वो यही है। बाय द वे गाइस, दैट्स द सेकंड मैकडॉनल्ड्स, बट ओल्ड जोक गाइस, यहाँ पे CIT की, हम CIT वाले थे दोनों, तो यहाँ पे इतनी पार्टीज होती थी हमारी CIT की, और मोस्टली आई थिंक वैसे भी हम यहीं जाते थे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली सा एनवायरनमेंट हो गया था बहुत टाइम से, तो वी लाइक लेट्स गो ओल्ड ओक, तो वी वर इन ओल्ड ओक। सो गाइस, दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रिंस स्ट्रीट, यहाँ पे मोस्टली रात के टाइम पे इफ यू लाइक सी, ये पूरी स्ट्रीट भरी होती थी क्योंकि इतने क्लब्स हैं यहाँ पे, सारे क्लब्स आपको इस स्ट्रीट पे मिल जाएंगे। शुगर डैडी, ओ नहीं, शुगर डॉल्स, सॉरी। सो गाइस, ये वाली जो स्ट्रीट है, ये प्रिंसेस स्ट्रीट का ये एक पार्ट है, ये अभी तक की ये यहाँ पे अभी सबसे ज़्यादा हैपनिंग स्ट्रीट इस वक्त ये है, क्योंकि इन लोगों ने क्या करा गया, यहाँ बाहर ना ये सारी जगह रेंट पे ले ली पूरी स्ट्रीट, और देखोगे तो ये पूरी स्ट्रीट ही बंद है, तो यहाँ से कोई आ जा नहीं सकता। और ये जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे, मैंने वो टेडो वाला भी करा था, अगर वो भी आप देखनी होगी आपने वीडियो, तो यहाँ पे सारे बैठते हैं, यहीं पे खाते पीते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं। बट दी ओनली थिंग जो यहाँ पे अलग हुई है कोविड के बाद से, वो ये हुई है कि यहाँ पे वो क्लबिंग लाइफ चली गई है। सो लाइक यू कैन जस्ट गो इन एंड डांस एंड हैव सम ड्रिंक्स एंड स्टफ, अगर आप बैठना तो यू जस्ट नीड टू सिट आउट एंड ईट फूड।
डांस में नहीं होता था कि वो ब्रिज पे जाके लोग ताले बांधते थे प्यार मोहब्बत के वो दिखाने के लिए। पहले सारे फ्रेंच लोगों ने ये भी नहीं छोड़ा, यहाँ पर भी वो सेम चीज़ें कर रहे हैं। दिखाओ आपको, ये देखो राज और पारुल, हमारा प्यार हमेशा जिंदा रहे। कमलेश और कमलेश पर ताला बांध के चला गया, उसने नाम बताने से भी मना करा है। फिल इन द ब्लैंक्स है गाइस। रूपा और रमेश, हमारा प्यार जिंदा रहे। सो गाइस, अगर आप यहाँ पे आओ और आप ताला बांध के यहाँ जाओगे तो आपका प्यार बिल्कुल सच्चा है, बिल्कुल सच्चा प्यार होगा आपने ताला बांधा। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ, बट जब गार्डा उसके बाद मारेगा, अगर गार्डा ने पकड़ लिया आपको ये ताला बांधते बेटा, तो फिर मेरे पास मत आना कि यार तू ही कह रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे लोग पता नहीं क्यों ताले बांध के जा रहे हैं। और पाउट मारते क्यों जा रही थी? क्या है, कैसी है तेरी जॉब? बढ़िया। शिवानी को भी जॉब मिल गई गाइस, सबको जॉब मिल रही है, अभी ट्रायल था, हम सब तरक्की कर रहे हैं। तो नाइट लाइफ पिछली, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हो, शिवानी भी है उसमें, उसने हमें नाइट लाइफ कुछ नहीं, उसने हमें घर का खाना खिलाया था गाइस। कुत्ते कितने हैं? कुत्ते सिंह गाइस। अब हम आपको एक ऐसी जगह लेके जाने जो फाल्गुनी की भी फेवरेट है, बहुत फेवरेट, मेरी भी फेवरेट है। The name of the place is spicy place over here that is non-Indian is Istanbul. तो अगर आप इस street पे आओ तो आप यहाँ पे आओ, ये खाना खाओ यहाँ का। For all the people who like eating non-veg, जिनको chicken विकन बहुत ज़्यादा पसंद है, उनके लिए तो ये जन्नत है, ये place जन्नत। इस बार वन डोनर कबाब जो पड़ता है 7.5 euro का, बहुत टेस्टी होता है। एक हमने मंगाया था फलाफल, so we had one veg फलाफल just because Shivani's veg and we got a coke. तो यहाँ पे आओ, ये भी 24 hours नहीं, मतलब आई मीन कि रात के टाइम पे खुला होता है। सो इफ यू गाइस इन स्ट्रीट और तुम्हें चिकन खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, आई राइट द डिस्क्रिप्शन में कौन सी जगह है स्पेसिफिक, यहाँ पे आइए एंड यू गॉना हैव द बेस्ट फूड, आई स्वेयर गारंटी के साथ बेस्ट फूड होगा। अभी आएगा तो दिखा दो। मामे होते हैं ये वाले, ठीक है। अगर देखो आइलैंड आओ, जितनी मस्ती करनी है करो, इन लोगों से दूर रहो बस। जिस दिन पकड़ा है इन्होंने, सारे इंडिया में लोग जिस दिन पकड़ा ना बेटा, इतना कूटेंगे ना ये लोग। We do it with the right foot up, left foot slide. Drake. फुल जगह काफी अच्छी अच्छी चीजें, बीच में ट्रक आ गया उसको इग्नोर मारे है। और ये क्या है? ओलोरी। बंद है नहीं तो यहाँ पे मुझे आज तक याद है, ये पूरी जो रोड है ना यहाँ से वहाँ तक, ये पूरी भरी रहती थी जस्ट टू गेट इनटू डाली। तो डाली इज़ वन ऑफ दी बेस्ट, आई लाइक गोइंग टू डाली। तो डाली आप जाओ, आप बहुत मज़े मारने वाले हैं। आई नीड टू ईट दिस इन 5 minutes। अगर मैंने 5 मिनट में चॉकलेट खा ली तो मुझे 100 euro मिलेंगे, और अगर मैंने नहीं खाई तो फाल्गुनी को मैं 25 euro दूंगा। सो दैट्स द चैलेंज हमने लिया है। जीत गया भाई, वो वैसे ही जीत गया। थोड़ा पेट दर्द हो रहा है, बट कोई नहीं, सुबह देखेंगे कैसा होगा। बट वी वांट्स 100 euros यार, 100 euros मिले तो क्यों नहीं। एंड हाँ, 90% कुछ ज़्यादा ही वैसी होती है। सो एनीवे, आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, द सिटी टूर। सिंघानी आगे चल रहा है, रुकते हैं एक मिनट। सो सिंघानी, इफ यू हैव टू से वन वर्ड अबाउट कॉर्क, व्हाट्स द वन वर्ड दैट कम्स इन योर माइंड? पीस। पीस, ओके, दैट्स द थिंग कम्स। नहीं, हमारी बस नहीं है। सो दैट्स सिंघानी सेइंग पीस फॉर कॉर्क, एंड आई से कॉर्क इज हार्ट, कॉर्क इज लव गाइज। बहुत बड़ी जगह है। सो इफ़ यू गाइज कम टू कॉर्क और आप इनमें से किसी भी जगह पे जाते हो, सो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम जो अभी आ रहा होगा,
So meet you guys in my next video. Don't forget to like, subscribe, share and comment. And love you all. Peace out.